वेलकम फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है स्ट्रॉबेरी पुडिंग। बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनते हैं ये स्ट्रॉबेरी पुडिंग। एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत जल्दी आधे घंटे में बन जाएगी। अभी विंटर सीजन चल रहा है, स्ट्रॉबेरी एकदम सीजनल फ्रूट्स है। इसके अंदर आपको अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी मिल जाता है। इस रेसिपी में मैंने कॉर्नफ्लावर और शुगर यूज़ किया है। अगर आपको इसका कोई अच्छा अल्टरनेटिव पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसको आप स्टोर अप कर सकते हैं किसी भी क्रिसमस पार्टी के लिए। ये पुडिंग बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनती है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरीज यूज़ किए हैं एकदम फ्रेश। आप देख सकते हैं एकदम लाल, एकदम ग्रीन पत्ते हैं इसके अंदर। तो पहले हम इसके पत्तियों को अलग करेंगे और इसको कुछ बीच में से इस तरीके से हम कट्स लगाएंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट एंड जूसी है ये। तो सारे स्ट्रॉबेरीज को हमने कट कर लिया है, तो अभी इसका हम पल्प बनाएंगे। उसके लिए इन सभी को हम एक मिक्सर या फिर ब्लेंडर जार, आपके पास जो भी है, उसमें एक अच्छे से मिक्स देंगे और उसके बाद एक छलनी ले लेंगे। उससे हमारा ये जो पल्प है, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज के अंदर बीज होते हैं तो इसको हमें सेपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके अंदर का जो पल्प है वो हम क्लीनली ऐसे निकाल लेंगे और जो एक्सेस है उसको अलग रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम हाफ ग्लास मिल्क यूज़ कर रहे हैं। मिल्क ये डबल टोन्ड है, यानी कि थोड़ा सा इसमें फुल फैट मैंने यूज़ किया है। आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी एक गैस में हम पैन को देके ये जो हमारा मिक्सचर है इसको पहले हम लेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा लो रखेंगे और बाकी का जो आधा ग्लास दूध था वो इसके अंदर हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम हाफ कप चीनी यूज़ कर रहे हैं। आप मेजरमेंट कप के हिसाब से कर सकते हैं, और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर 1/3 कप मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। यहाँ पर अगर आँच आपकी धीमी है तो कॉर्नफ्लावर पूरी तरीके से मिक्स होगा, पर आप देख सकते हैं मेरे में भी थोड़ा सा ऐसे लम्स आए हुए हैं, तो उसको हम ऐसे एक मिक्सर की मदद से लम्स को भी ऐसे एकदम स्मूथन आउट कर लेंगे ताकि एकदम इवन ऐसी बन जाए। और इसको हमें धीरे धीरे करके ऐसे उबालते हुए एकदम इस तरीके की थिक कंसिस्टेंसी में लाना है। कंसिस्टेंसी एकदम थिक ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने कांच का बोल यूज़ किया है। आपको जिस भी शेप में बनाना है इस तरीके से आप कांच का ही लीजिए, तो फिर आपको अलग से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम लगभग 3 घंटे तक अब रेफ्रिजरेट करेंगे। और इसके सिरप के लिए हमें कुछ थोड़े से ही, यानी कि यहाँ पे मैंने 4 लिए हैं ऐसे बाइटेबल साइज़ के स्ट्रॉबेरीज को, हम कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद एक फ्लैट पैन में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर और उसके बाद जो कट किए हुए स्ट्रॉबेरीज हैं और थोड़ा सा उसके ऊपर चीनी डाला है और थोड़ी सी यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी डाल के सब चीज़ों को 2 मिनट तक कुछ इस तरीके से कुक करेंगे। स्ट्रॉबेरीज वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो कुक करने के साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको हम एक कूल डाउन करना है और लगभग 3 घंटे के बाद, या फिर आप ओवरनाइट या फिर आप 1 से 2 दिन तक भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से साइड्स को हमने कट लगा के इसको हमें एक डिश के ऊपर ऐसे उलट देने हैं। अगर ये इस तरीके से निकल नहीं रहा है तो थोड़ा सा इसे टैप कीजिए और देखिए एकदम इजीली सॉफ्ट पिंक कलर की स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बनी हुई स्ट्रॉबेरी पुडिंग रेडी है, विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर और विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर। एकदम नेचुरल वे में इसके ऊपर हम ऐसे सिरप को डालेंगे और इसको ऐसे ही गार्निश करके आप इंजॉय कर सकते हैं अपने किसी भी क्रिसमस पार्टी के लिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।